सतरंजीपुरा में 65 वर्षीय एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो जाने से उनके संबंध में आने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसकी आशंका को जताते हुए मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतरंजीपुरा के बड़ी मस्जिद परिसर के कई लोगों को बस में बिठाकर क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की चपेट में आने से सतरंजीपुरा के एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी, जिससे शहर में खलबली मची थी। कोरोना महामारी से जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, उस व्यक्ति का मृत्यु के पहले में और किसी के साथ कुछ संबंध तो नहीं आया, इसकी जांच मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। सतरंजीपुरा के बड़ी मस्जिद परिसर से आज मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिसर के नागरिकों को क्वारंटाइन के लिए बस में भेजा गया। इस बारे में मनपा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी मां ने इन्होंने जानकारी दी। आप देख सकते हैं कि इस समय में ये जो लाल कलर की एसटी बस जो दिखाई दे रही है, इसमें क्वारंटाइन के लिए लोग ले जा रहे हैं। सतरंजीपुरा और शांतिनगर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आशंका जो संदिग्ध ऐसे उनको क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि हाल ही में एक केस हुई थी जिसकी मौत हो गई थी कोरोना पॉजिटिव को लेकर, वो इस समय हमारे साथ जोनल ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी माने मैम है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम ये बताए कि कहाँ से ये लोगों को क्वारंटाइन जे पेशंट पॉझिटिव येतात आहेत ते ऑलरेडी क्वारंटाईन मधलेच येतात आहे, पण त्यापैकी जर काही सुटले असतील तर त्यांना आम्ही परत घेऊन क्वारंटाईन करून त्यांचे इन्व्हेस्टिगेट करतो आहे। असे किती लोक लेके जा रहे मॅम क्वारंटाईन करने के लिए, कौन से इलाके से? सगळे सतरंजीपुरा मधलेच आहे सध्या। क्वारंटाईन सेंटरला कोविड केअर सेंटर्स आहेत आपले लोणाडाला आहे, सिम्बायसिस इन्स्टिट्यूटला, वानामतीला आणि MLA हॉस्टेलला, त्याच्यापैकी कुठेतरी आता ते अकॉर्डिंगली आम्ही कोऑर्डिनेट करून पाठवून देऊ तिथे। ठीक आहे, तो इस प्रकार के लोगों को क्वारंटाईन करने के लिए लेके जा रहे, ऐसी जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी माने इन्होंने दी। आप देख सकते हैं कि पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे है और बैरिकेडिंग लगाई गई है और डिस्टेंस बना हुए, मास्क लगाते हुए सभी पुलिस के जवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक 65 वर्षीय जो व्यक्ति की जो मौत हुई थी वो यही गली सतरंजीपुरा की यही गली जहाँ पीछे में रहते थे, और अभी एक के जो हाल ही में हुए शांतिनगर की, जो ऐसे ही उनके टच में आने वाला एक व्यक्ति था जिसकी मौत शांतिनगर में हुई है। अब दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता गया, नागपुर का आंकड़ा अभी 63 बन चुका है और भी कुछ संदिग्धों की जाँच होना बाकी है। ऐसे में मनपा प्रशासन पूरी एहतियात बरतते हुए उन लोगों को खोज के निकाल के उनका क्वारंटाइन करते हुए नजर आ रही है। नागपुर के सतरंजीपुरा से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ जय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।